द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई थी कि आखिरकार इस बार नीतीश कुमार क्या फैसला ले सकते हैं, क्या वो गठबंधन से अपने आप को अलग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और जो वोटिंग के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल बनकर तैयार हो रहा था, वो नीतीश के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में निकल के आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग उनको किंग मेकर नहीं मान रहे थे, जिससे लगातार नाराजगी दिखाई दे रही थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार और भी कुछ बहुत मांग रहे थे, उन्हें वो सब कुछ नहीं मिला। तो जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ऐलान होता है, तब ये खबर उड़ने लगती है कि आखिरकार क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उन प्रस्तावों में कुछ चीज़ें अहम हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है, जो नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही है। यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव का पूरा फॉर्मूला तैयार करके ले जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को ज़रूर दबाने की कोशिश करती है और सहयोगियों को ये कहती है कि तुम लोग नीचे रहो, हम ऊपर रहेंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी उस राज्य में बनकर उभरेंगे। ऐसी कोशिश बीजेपी की हमेशा से रहती है, लेकिन बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए जेडीयू ने यह नया प्लान तैयार किया है। और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है बिहार के लोगों के लिए नीतीश कुमार एक मसीहा के तौर पर दिखाई पड़ जाएंगे और फिर जो समस्याएं हैं वो बिहार के लोगों के हट जाएंगे। और सीधी सी बात है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अपने आप में बड़ी चर्चा है और ये दबाव सीधे सीधे मोदी सरकार पर है। मोदी सरकार अब टेंशन में आ गई है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा बिहार को, नीतीश कुमार की मांग को माना गया, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू लगातार जो मांग कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो भी लगातार अपनी मांग शुरू कर देंगे। तो बीजेपी के सामने ये बड़ी टेंशन हो गई है। भले बीजेपी सोच रही थी कि चुनाव को लेकर टेंशन नहीं होगी, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अब जो है जेडीयू अब फुल मोड में दिखाई दे रही है। वो विशेष राज्य के जो पैकेज है उसी के वजह से वो रुकी हुई थी और इसीलिए वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उसने किया। ये बैठक अपने आप में अहम है और इस बैठक में क्या कुछ चीज़ें और हुई वो भी हम बताते हैं ज़रा आपको। लेकिन ये News24 ने इस पर एक पोस्ट किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है। अब नीतीश कुमार के पाला बदलने का रास्ता साफ हो गया है। लोग ऐसे भी इसे देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो नीतीश कुमार सीधे तौर पर पाला बदल सकते हैं, उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। नारायण लाल सोलंकी लिख रहे हैं, बदलाव की राह आगे बढ़ेगी या टकराव की, अब बदलाव की बढ़ेगी या टकराव की बढ़ेगी, क्योंकि टकराव होना स्वाभाविक है। अगर नीतीश कुमार की ये मांग नहीं मानी जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है नीतीश कुमार टकराव के मूड में नजर आएंगे और फिर वो आगे मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। मोहम्मद शाहिद हुसैन लिख रहे हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से या आंध्र प्रदेश को 1,00,000 करोड़ का पैकेज मिलने से अल्पमत सरकार को समर्थन देने का एक प्रयोग किया जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों को समर्थन देने का मतलब वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर ने माइक बंद कर भाग गए। ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जा रहा है कि जो संविधान को ना मानने वाले लोग, उनका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए था। सैफ अली मलिक नीतीश कुमार सबके हैं। अब नीतीश कुमार सबके हैं, इसका सीधा मतलब यही है कि नीतीश कुमार पाला भी बदल सकते हैं। करमबीर सिंह लिख रहे हैं कि सिर्फ स्टोरी बनाई जा रही है, बीजेपी से आँख दिखाकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ये दिलाने का काम जो है वो नीतीश कुमार को करना चाहिए, वो बीजेपी से आँख में आँख मिलाकर बात करें। अब इसको लेकर लगातार जो है बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं। केंद्र सरकार की विशेष दर्जा बिहार को कभी भी नहीं देगी, केंद्र में गुजराती शासन है, ये कहा जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बिहारियों को या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी क्योंकि वहाँ पर गुजरातियों का शासन चल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं प्रस्ताव पास हो गया है, प्रस्ताव पास इंडिया, अब क्या प्रमुख मंत्रालय स्पीकर पद कुछ भी नहीं दिया तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए नीतीश कुमार को कटोरा लेकर खड़े रहना पड़ेगा। ये तो गजबे का याराना है नीतीश बाबू। अब नीतीश कुमार पर सीधे कटाक्ष लोग कर रहे हैं क्योंकि स्पीकर का पद नहीं मिला, मंत्रिमंडल सही हिसाब से नहीं मिला, विभाग सही हिसाब से नहीं मिले, और अब जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार को लेकर उठाई जा रही है वो भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे याराने का क्या फ़ायदा। ये देखिए करमबीर सिंह लिख रहे हैं कि सिर्फ स्टोरी बनाई जा रही है, बीजेपी से आँख दिखाकर विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सरकार बदलती है या फिर मोदी जी को बिहार को विशेष राज्य देते, यानी क्या अब केंद्र में सरकार बदल जाएगी या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस पर लोगों का सवाल अब खड़ा होने लगा।
देखिए अब इसमें कई प्रस्ताव पास हुए हैं, कई प्रस्तावों पर बातचीत हुई है। जेडीयू झारखंड में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। दिल्ली की बैठक में पार्टी ने क्या कुछ फैसले लिए हैं ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। और इसमें सबसे जो अहम है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है, जो मुसीबत खड़ी कर सकती है। दरअसल दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जेडीयू की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बुलंद हौसले के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में हुई। देशभर से जेडीयू के अनेकों नेता इस बैठक में शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से स्वागत पार्टी नेताओं ने पहले किया। इस बैठक में पार्टी के कद्दावर नेताओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राजनीतिक और संगठन से जुड़े प्रस्ताव पेश किए गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपने प्रदर्शन से उत्साहित दिखी और बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी भी की है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के चुनाव को लड़ने का संकल्प भी लिया गया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने और जीतने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की प्रशंसा करते हुए सफलता का मार्ग यहीं से प्रशस्त होने की बात भी कही गई है। इस रणनीति को आगामी बिहार में चुनाव में अपनाने की भी बात कही गई है। अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव की तरफ भी जेडीयू अब तैयारी करेगी, इसके लिए भी दिशा निर्देशित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह भी बढ़ाने की बात इस बैठक में की गई है, इसकी बात भी कही गई है। अब झारखंड, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव होने वाले, झारखंड में भी चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को लेकर बातचीत चल रही है। मजबूती से इस बार जेडीयू वहां चुनाव लड़ने की बात कह रही है। कहा गया कि झारखंड में पहले भी जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और जीते भी हैं। झारखंड उन सीटों को भी चिन्हित करने की बात कही गई है जहां प्रत्याशी उतारने की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके बाद रणनीति बनाकर आगे की तैयारी में जुटने की बात कही गई। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका बताई गई। एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है, इस तरीके से भी बात कही जा रही है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग है। जेडीयू की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की बात करते हुए अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और राहत पैकेज मिलने, विशेष पैकेज मिलने को लेकर प्रदेश की आवश्यकताओं के बारे में भी बताया गया। बिहार में विकास की रफ्तार लाने के लिए इसकी मांग की गई और इसका संकल्प भी लिया गया है। अब संकल्प लिया गया है तो बस स्वाभाविक है, नीतीश कुमार को करके दिखाना पड़ेगा और करके दिखाने के लिए मोदी जी को कहना पड़ेगा। और मोदी जी अगर विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को देते तो चंद्रबाबू नायडू को देना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो नीतीश कुमार सरकार भी गिरा सकते हैं, नीतीश कुमार अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से भी काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार एक अहम फैसला ले सकते हैं और नीतीश कुमार मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं, सब कुछ ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। आरक्षण से जुड़े फैसले का भी जिक्र किया गया। पार्टी ने पटना हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में आरक्षण की बड़ी सीमा को रद्द करने पर चिंता जाहिर की। बताया गया है कि इससे सरकारी नौकरी व रोजगार देने में प्रक्रिया में अड़चन आई है। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार के द्वारा इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की भी सराहना की गई है और बहुत सारी चीज़ें बात हुई है। ये सबसे अहम है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बन सकता है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।